दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि आज से आप हमेशा के लिए खाना पीना छोड़ दीजिए, पैसों को त्याग दीजिए, अपने घर वालों को पीछे छोड़कर किसी गुफा में रहने चले जाइए, तो क्या आप ये कर लेंगे? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। मगर दोस्तों, ऐसा नामुमकिन भी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से अनोखे लोग हैं जिन्होंने ऐसे या इससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज जीवन शैली को अपनाया है। इनमें से कुछ लोगों ने ऐसा किसी मजबूरी के कारण किया है, तो किसी ने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से ऐसे कदम उठाए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी को नुकसान न पहुंचे तो अपनी मर्जी से जीवन जीने का हक तो सभी को है। तो चलिए जानिए ऐसे कुछ हैरान कर देने वाले लोगों के बारे में जो बहुत ही अनोखी लाइफ जी रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 8। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि आपने आज लंच में क्या खाया, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, मैंने तो अपना फेवरेट पिज्जा खाया था। मगर प्रहलाद जानी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों, प्रहलाद ने 70 सालों से खाने का एक निवाला भी मुंह में नहीं रखा है। हो गए ना हैरान? जी हाँ दोस्तों, पूरे 70 सालों से ये बिना खाए पिए जीवित हैं और अपने दिन भर के सभी काम खुद ही करते हैं। ना जाने इनमें इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है। इनकी इस बात से तो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। वे कहते हैं कि शायद ये स्वच्छ हवा और लोगों के प्रेम पर जीवित हैं। मगर असल बात क्या है, ये किसी को नहीं पता। एक और मजे की बात बताएं दोस्तों, इन 70 सालों में एक बार भी बाथरूम नहीं गए। जाहिर सी बात है, बिना खाना खाए इन्हें बाथरूम जाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? कितना समय बच जाता होगा इनका दोस्तों, है ना? नंबर 7। क्या आप सोचते हैं कि गोरा होना खूबसूरती की निशानी है? मार्टिना और माइकल आपसे बिल्कुल असहमत होंगे। जर्मनी का ये कपल पैदाइशी गोरा है, मगर इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी आत्मा अफ्रीकन है, इसीलिए इन्होंने अपनी त्वचा का रंग बदल लिया है। इसके लिए इन्हें मेलाटोनिन के इंजेक्शन लगवाने पड़े। डॉक्टर्स का कहना है कि अब इनके बच्चे भी काले ही होंगे और ये दोनों इस बात से काफी खुश हैं। मार्टिना ने तो केन्या जाके एक चर्च में अपने आप को बैप्टाइज भी करवा लिया है। ये अपने आप को अफ्रीकन रेस का हिस्सा मानती हैं और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सुनने में ये थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर एक तरह से सोचा जाए तो दुनिया से रेसिज्म खत्म करने की अच्छी कोशिश भी कह सकते हैं इसे। नंबर 6। दोस्तों, कुछ लोग अपनी मर्जी से अपना लाइफस्टाइल बदलते हैं, मगर कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। नाइजीरिया की रहमा हारूना भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं। जब ये 6 महीने की थी तो इनकी बॉडी ने ग्रो करना बंद कर दिया। धीरे धीरे इनके पैरों ने भी काम करना बंद कर दिया। इन्हें पूरे टाइम एक कटोरे में रहना पड़ता था ताकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। ऐसा जीवन कौन ही अपनी मर्जी से चुनता है, मगर रहमा ने फिर भी अपनी जिंदगी खुशी से जी। हालांकि 19 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। बहुत ही दुख भरी कहानी है, मगर कभी कभी सच तो कड़वा भी होता है ना दोस्तों? शुक्र मनाइए कि आपके हाथ पैर सलामत हैं। नंबर 5। दोस्तों, आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना जरूर होगा कि सब मोह माया है, मगर कितने लोग इसे सच मानते हैं? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन डेनियल सुइलो ने 20 साल पहले ही इस फिलॉसफी को अपना लिया था। उस समय उनके पास केवल 2200 रुपए थे, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। वे इसे एक फोन बूथ में छोड़ आए और पैसों का त्याग कर दिया। दोस्तों, ऐसा काम करने के लिए एक अलग ही माइंडसेट की जरूरत होती है, नहीं तो कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी सारी सेविंग्स खो देने पर हार्ट अटैक ही आ जाता है। डेनियल का कहना है कि पैसों को त्याग कर उन्हें एक अलग ही आंतरिक शांति मिली। वे अब ना तो टैक्स देते हैं और ना ही गवर्नमेंट से मदद लेते हैं। वे उटा में कैनियंस में रहते हैं और उन्हें जो कुछ मिल जाता है वो खा लेते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने ऐसी ही जिंदगी बनाई है, पर इंसानों ने उसे काफी हद तक बदल दिया है। नंबर 4। दोस्तों, जो काम डेनियल ने केवल 20 साल पहले किया, दिल्ली के महंत अमर भारती जी ने वो 1973 में ही कर लिया था। हमारा देश कई चीजों में बाकी देशों से कहीं आगे है। वे एक क्लर्क की नौकरी करते हैं, पर उनका दुनिया से मन उठ चुका था। उन्होंने पैसे, नौकरी और अपनी बीवी का त्याग कर दिया और संन्यास ले लिया। मगर पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। इन्होंने तपस्या का एक नया अंदाज चुना है। ये अपना एक हाथ हवा में रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोते जागते उठते बैठते इनका एक हाथ ऊपर ही उठा रहता है। और तो और दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये ऐसा कब से कर रहे हैं? एक दिन से नहीं, 2 दिन से। जी नहीं दोस्तों, ये कठोर तपस्या ये पूरे 47 सालों से करते आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल ही हैरत अंगेज। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से अजीबो गरीब लोग हैं जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जब तक इन लोगों से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तब तक हम इन्हें गलत नहीं कह सकते। आखिर जिंदगी जीने का सबका अलग स्टाइल होता है। नंबर 3। आपने वो कविता तो सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पद्रोणी घोष की लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, उनको एक अलग किस्म की बीमारी है जिसके कारण वे जब भी पानी से बाहर रहती हैं तो उनका शरीर जलने लगता है, जैसे किसी ने उन्हें आग लगा दी हो। ये बहुत ही अलग बीमारी है जो लाखों में से किसी एक को होती है। पद्रोणी के पास जीवित रहने का केवल एक ही रास्ता है। वे अपने घर के सामने एक तालाब में अपना पूरा दिन बिताती हैं। ऐसा वो पिछले 20 साल से रोज कर रही हैं। सही में दोस्तों, अगर पद्रोणी को इतनी देर पानी की ठंडक ना मिले तो वो मर जाएंगी। है ना ये बहुत ही अजीब।
नंबर टू। दोस्तों बचपन किसे नहीं पसंद होता, मम्मी पापा हमारा ख्याल रखते हैं, हम दिन भर खाते पीते और खेलते हैं, ना कोई चिंता होती है और ना ही कोई फिक्र। पर दोस्तों अगर बचपन में आपका चाइल्ड अब्यूज हुआ हो तो आपका एडल्टहुड भी थोड़ा अजीब हो जाता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना बचपन दोबारा नहीं जी सकते हैं। मिलिए थॉटन से, वे 20 साल के हैं मगर अपना बचपन खुल के जीते हैं। वैसे तो वो दिन भर एक आम नागरिक जैसे ही रहते हैं मगर घर वापस आके वो 2 साल का बच्चा बनना पसंद करते हैं। वे बच्चों की तरह कार्टून देखते हैं, लोगों से खेलते हैं, कलरिंग करते हैं और अपने पालने में ही सोते हैं। और तो और दोस्तों वो डायपर भी बनते हैं। नंबर वन। फाइनली दोस्तों हमारी लिस्ट के नंबर वन अजीब इंसान है ईरान के अमोहाजी। इनकी खासियत यह है कि ये पिछले 70 साल से नहाए ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें साबुन और पानी से एलर्जी है। जो हमारे लिए साफ है वो इनके लिए बहुत ही गंदा है। इन्हें सफाई से घिन आती है। ये जिंदगी बहुत आराम से जी लेते हैं और कितना भी नामुमकिन क्यों ना लगता हो इनके लिए यही नॉर्मल है ना। बहुत ही अजीब दोस्तों, हम तो एक दिन ना नहाए तो हमें कितनी उलझन हो जाती है, ये तो 70 साल से नहीं नहाए हैं। वाकई में दोस्तों इनका जीवन जीने का अंदाज बहुत ही अनोखा है। दोस्तों लाइफ बहुत अजीब है और उसको जीने का तरीका उससे भी ज्यादा अजीब है, मगर हमें इस प्लेनेट पे मिलजुल के रहना चाहिए। जो जैसे रह रहा है उसे वैसे ही रहने दें, इंटरफेयर ना करें जब तक उसका अजीब रहन सहन आपको परेशानी ना दे रहा हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये लिस्ट बड़ी दिलचस्प लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।